प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर मंडी में 10 से 12 अगस्त तक महामंथन होगा। बल्लभ क्लस्टर यूनिवर्सिटी और बल्लभ कॉलेज के सहयोग से प्रदेश में पहली बार पश्चिम हिमालय में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर मंडी में 10 से 12 अगस्त तक महामंथन होगा। बल्लभ क्लस्टर यूनिवर्सिटी और बल्लभ कॉलेज के सहयोग से प्रदेश में पहली बार पश्चिमी हिमालय में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में पढ़े जाने वाले रिसर्च स्कॉलरों के शोध पत्रों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे बाद में भारत सरकार और राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल को लेकर स्थायी नीति बनाई जा सके। आयोजन समिति के चेयरमैन एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा और संयोजक डॉक्टर संजीव ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सम्मेलन में 6 से 7 देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के विभिन्न महाविद्यालयों के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। IIT मंडी के विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन का अहम हिस्सा बनेंगे। नेपाल, दुबई, कनाडा, सिंगापुर और थाईलैंड के प्रतिनिधियों का सम्मेलन में आना तय हो चुका है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी निमंत्रण भेजा गया है। संयोजक डॉक्टर संजीव ठाकुर ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में पश्चिमी हिमालय के जल, जंगल और जमीन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल और प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से दोहन नहीं हो रहा है, जिससे भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय मंडी, IIT मंडी और बल्लभ क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के तत्वावधान में 10 से 12 अगस्त को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर के है। किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाए कि पश्चिमी हिमालय में सामाजिक आर्थिक विकास संभव हो सके। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व भर के और पूरे देश के कम 300 प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मुख्य रूप से अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और ये मंथन करेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सरकार के ध्यान में लाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य आज के वर्तमान समय में जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाने से और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय से संबंधित लोग हैं, उनके विचारों को सुनने से और उसकी एक रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजने से है। इसमें दुबई, सिंगापुर से, थाईलैंड से और कनाडा से हमारे जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेने जा रहे हैं। मैसेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी। मैं आज इस प्रेस वार्ता में आपको बताना चाहता हूँ कि वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहा है, जो कि 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक चलेगी। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के 7-8 कंट्रीज़ के प्रतिभागी जो है हिस्सा लेंगे और हमारे हिमाचल के भी जितने कॉलेज के हैं वहाँ से भी बहुत सारे अध्यापक ये भी आएंगे। इवन IIT मंडी और देश के और भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी प्रतिभागी आएंगे और अपने यहाँ पे प्रेजेंट पेपर प्रेजेंट करेंगे और हमें अनुमान है कि 300 के आसपास पेपर प्रेजेंटर यहाँ पे उपस्थित होंगे और अपने सुझाव देंगे। इस मौके पर आयोजित समिति के डॉक्टर TS वर्मा, प्रोफेसर दीपक गौतम, डॉक्टर तारा सिंह ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।